आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है रेडियाना। रेडियाना 2010 से इंडिया में काम कर रही है और साथ में इनके पास 15 से ज्यादा साइट्स हैं, 100 से भी ज्यादा ब्रांच है इंडिया में। और गाइस यहाँ पे 24/7 का आप सभी को कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। तो आप लोग का नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग जाके व्हाट्सएप पे इनको कॉन्टेक्ट कीजिए और सभी डिटेल्स ले लीजिए। कमेंट में इनका सभी डिटेल्स आप सभी को देखने को मिल जाएगा, तो जाके आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए रेडियाना से। लगातार दो हार यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को थमा दी गई है। और क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आगे आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए गाइस यहां पे आरसीबी के लिए किस तरीके से गाइस यहां पे मुसीबतें बढ़ रही है, आगे चल के हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले इस मैच के बारे में, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। एंड हम सभी को रॉयल्स के बीच में मुकाबला देखने को मिला। अगर हम लोग बात करें आरसीबी की टीम की, तो गेंदबाजी टॉप क्लास हम सभी को देखने को मिली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। तो गाइस यहां पे अगर हम लोग गेंदबाजी के बारे में बात करें, जॉस हेजलवुड, मोहम्मद सिराज, वनिंदु हसरंगा एंड गाइस यहां पे सभी के सभी गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्म किया आरसीबी की टीम के लिए। एंड एक तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम जो कि लगातार यहां पे रन बना रही थी, लगातार 190-200 का जो कि टारगेट दे रही थी, एंड अचानक से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आती है 144 पे उनको रोक देती है। 145 का लक्ष्य मिलता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। और इस बार ये नहीं बोला जाएगा कि आज आरसीबी का दिन नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। इस बार सवाल उठेगा खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि इस बार बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है सभी के सभी खिलाड़ियों ने आरसीबी की। बल्लेबाजी की अगर हम लोग बात करें, तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड किया है आरसीबी के प्लेयर्स ने। अब कैसे पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे 145 का आपको लक्ष्य मिलता है। विराट कोहली फैफ टू प्ले से ओपनिंग करते आते हैं। अगर हम लोग विराट कोहली के बल्ले से मान लेते हैं कि रन नहीं निकले, क्योंकि पूरा सीजन ही विराट कोहली के बल्ले से हम सभी को रन देखने को नहीं मिले, उनका बुरा वक्त चल रहा है, तो हम उनको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि विराट कोहली आज के मैच में भी नहीं चलते, हम लोग विराट कोहली को साइड कर देते हैं फैफ डू प्ले सी। उसके बाद कैसे पे राजेश पाटीदार को अपने मौका दिया, अनुज रावत को हटाया, एंड उसके बाद सहवास अहमद, दिनेश कार्तिक का कोई गलती नहीं है, क्योंकि सहवास अहमद बुलाते हैं एंड उसके बाद कैसे उनको जाने के लिए बोल देते हैं, दिनेश कार्तिक आउट हो जाते, बीच में खड़े रहते हैं सहवास अहमद और देखते रहते हैं दिनेश कार्तिक का रन आउट। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की अगर हम लोग बात करें, तो आते ही गाइस यहां पे चलते बने फैफ डू प्लेसी के बल्ले से रन नहीं निकले। एक मैच में अच्छे परफॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर से बैठ जाते हैं, फिर एक मैच में परफॉर्म करते हैं। तो इस बार गाइस और इस मैच में आरसीबी के प्लेयर्स ने गाइस यहां पे बैटिंग ने गाइस यहां पे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, आरसीबी के फैंस को एक बार फिर से निराश किया है। और सबसे आसान चीज जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान था, अगर 3 विकेट लगातार गिर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैच जीत सकते थे, आपको एक साझेदारी की जरूरत थी। स्वर्ष प्रभु देसाई गाइस यहां पे आके बड़े शॉट लगाने गए एंड उसके बाद वो भी आउट हो गए, कोई भी खिलाड़ी सही से साझेदारी नहीं बना पाया। ये सबसे बड़ी गलती है आरसीबी की टीम की। और आरसीबी की टीम अभी भी गाइस यहां पे विराट कोहली, फैफ डू प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नजर आ रही है, कि पहले जैसे विराट कोहली आउट हो जाते, एबी डिविलियर्स आउट हो जाते थे, मैच खत्म, बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब ये तीनों खिलाड़ी चल गए ना, तो आपके सभी मैच हार गए, आपके तीन टॉप खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। उसके बाद दिनेश कार्तिक के बल्ले से रन निकले तो मैच जीतेंगे, अगर नहीं निकले तो मैच नहीं जीतेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आरसीबी की टीम जितने सारे यंग खिलाड़ी को मौका दे रही है, उन खिलाड़ी के ऊपर कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, उनको ऐसा नहीं लग रहा कि हमें परफॉर्म करना है टीम के लिए, कोई भी खिलाड़ी जिम्मेदारी सही से ले ही नहीं पा रहा। अगर हम लोग अदर टीम की बात करें, अदर आईपीएल टीम की बात करें, तो वहाँ पे कितने सारे यंग खिलाड़ी हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। आयुष बधोनी को ले लीजिए, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के गाइस आप लोग सेन को ले लीजिए, कुलदीप सेन को, वो कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो आरसीबी के प्लेयर्स के यंग खिलाड़ी के बल्ले से हम सभी को रन निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, और आरसीबी के टीम मैनेजमेंट मौका दे रही है। स्वर्ष प्रभु देसाई ने एक मैच में परफॉर्म किया, लगातार उनको मौका दे रही है, लेकिन गाइस पे उनके बल्ले से भी रन नहीं निकल रहे हैं। उसके बाद बात करें हम लोग अनुज रावत के, उनके बल्ले से रन निकले तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। अब गाइस यहां पे राजत पाटीदार को मौका दिया गया, वो खड़े उतरे, लेकिन उनके बल्ले से भी रन देखने को हम सभी को नहीं मिला। तो आरसीबी के यंग खिलाड़ी के बल्ले से रन बिल्कुल भी हम सभी को देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब बात कर लेते गाइस आप लोग यहां पे थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल के बारे में। पॉइंट्स टेबल पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम यहां पे 5वें स्थान पे है। और गाइस अब बात कर लेते क्वालीफाई किस तरीके से कर सकती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। मौका तो बहुत ज्यादा है अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के पास, लेकिन आने वाले जो मुकाबले हैं ना, वो और भी ज्यादा टफ होने वाले, क्योंकि गाइस यहां पे अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आने वाले जो 3 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की, गुजरात टाइटंस से होने वाली है, चेन्नई सुपर किंग्स से फिरंत होने वाली है, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद से गाइस यहां पे खेलने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। तो गाइस यहां पे लगातार 3 बड़े-बड़े मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स
चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम खेलने वाली है इस हफ्ते। शनिवार को गुजरात टाइटन्स से खेलने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। तो गाइस पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को लगातार गाइस पे अभी भी 3 मुकाबले जीतने पड़ेंगे। 5 मुकाबले बचे हुए हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के पास, उसमें से आपको 3 मुकाबले जीतने तब आप पूरी तरीके से क्वालिफाई कर जाएंगे आईपीएल 2022 के लिए। और ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि गुजरात टाइटन्स की बात करें, हैदराबाद की बात करें तो गाइस काफी ज्यादा टफ टीम हम सभी को इस बार नजर आ रही है। बट हम लोग उम्मीद करेंगे कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम कम बैक करेगी एंड बहुत अच्छी तरीके से कम बैक करेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। हम लोग साथ हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग गलती करते रहते हो, हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा सवाल उठा रहे। अब साथ तो कभी नहीं छोड़ने वाले, इतना 100% गारंटी है। आप लोग खेलते रहो, हम लोग हमेशा आपके साथ है। बट जहाँ पे गलती करोगे वहाँ पे थोड़ा सा चर्चे तो होगी। एंड अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।